जैसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, जुनून है तेरे इश्क का, दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे समाज में जहां एक तरफ महिलाएं हर क्षेत्र हर कार्य में सफलता के नए आयाम को छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका पैदा होना भी एक अभिशाप माना जाता है। आखिर क्यों? समाज में जहां एक तरफ कन्याओं को कलंक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटी का पैदा होना वरदान मानते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका मानना है यदि आप महिलाओं की इज्जत करेंगे तो ऊपर वाले की इनायत हमेशा आप पर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी और बिजनेसमैन सिराज अहमद ताकत जी की। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। नमस्कार सिराज ताकत जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार सिराज जी, जैसे कि हर इंसान के जीवन में एक चीज़ का बहुत ही अहम रोल होता है और वो होता है उसका परिवार। सबसे पहले हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और जयपुर का रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी बिजनेस करते थे, उस बिजनेस को मैंने संभाला है जबकि मेरी शादी हुई। जी दीप्ति जी, खास बात यह है मेरे 10 बेटियां और 3 बेटे हैं। क्या बात है सिराज जी, लेकिन इस बात पर मेरे जहन में एक सवाल आया है, जैसे कि आजकल के लोगों की जो सोच होती है, क्या कभी आपके मन में ये आया कि लड़की का पैदा होना सामाजिक तौर पर किसी ना किसी तरह का दबाव हम पर बनाता है? नहीं, ये बहुत गलत सोच है। और दीप्ति जी, मेरी तो 10 बेटियां हैं और आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मेरी बेटियों ने मान बढ़ाई है और उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जो इस तरीके की बात को समाज में फैला रहे हैं। सिराज जी, आज के समाज की स्थिति अगर देखी जाए तो कन्या का पैदा होना एक तरह से अभिशाप माना जाता है, और आप तो खुद 10 बेटियों के पिता हैं। ऐसे में जब कभी अखबार में या टीवी पर अगर इस तरह की खबर देखते हैं या सुनते हैं, उस वक्त कैसा महसूस करते हैं आप? जब अखबार पढ़ता हूँ मैं और टेलीविज़न जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है,
और ये इतना अफसोस होता है कैसे कैसे लोग पैदा हो गए जो बच्चियों को जो है पैदा होने से पहले जो मार देते हैं, ये कितने दुख की बात है। जी बिल्कुल, और ये तो बहुत गलत बात है। लोगों को इससे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो कभी, ताकि लोगों को सुधार आवे। जी दीप्ति जी, इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, जब हमें माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीबी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं, बेटियों को बचाए। दोस्तों सिराज ताकत जी से हमारी बातचीत रहेगी जारी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं लक्ष्य, और आज के हमारे मेहमान हैं सिराज ताकत जी। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है। सिराज जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने पिता का बिजनेस संभाला, ऐसे में किस चीज़ पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया? मेरे पिताजी बड़े ईमानदारी से काम किया करते थे, और वही सीख मेरे को सिखाई है मेरे पिताजी ने, बेटा कोई भी काम करो ईमानदारी से काम करो, लगन से करो, मेहनत से करो, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। चाहे समाज सेवा करो, चाहे घर चलाओ, चाहे बिजनेस करो, सच्चाई लगन से काम करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और आज भी उनकी दुआएं मेरे साथ है। सिराज जी, आप आज सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर बेहद ही सफल इंसान हैं, ऐसे में आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद मेरे माता पिता का शुक्रिया अदा करूंगा, और इस तरक्की में मेरी बीबी का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, अपनी बीबी की इज्जत करें ताकि घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। सिराज जी, अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, बेटियां अपने घर के आंगन में लगे उस फूल की तरह होती है जो अपनी खुशबू से पूरे घर को मिका देती है। जो लोग अपनी बेटियों पे अत्याचार करते हैं वो खुशियों से महरूम रह जाते हैं। हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, और क्या पता आपने उसको मार कर अपने तकदीर का गला घोट दिया। कन्या भ्रूण हत्या रोकिए और बेटियों को बचाइए। हर शिशु जन्म से ही एक महान संभावना होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की।
लेकिन ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले कई माँ बाप ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन अपराध में शामिल हैं। मानसिकता तो ये है कि बेटी पैदा होगी तो समाज में झुककर चलना होगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या आज भी यही सोच है हमारी? ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। सिराज ताकत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा इस पते पर। हमारा पता है सर्वनी इंटरनेशनल द वर्ल्ड ऑफ मीडिया 62E के पॉकेट शेख सराय फेज 2 न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9815-42961-011-6462-5566। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। Till then, goodbye and take care. यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना।